अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एक नया दिन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेहतमंद रहेंगे। तमाम जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो हम सब ने इंश्योर करना है कि वो इन प्लेस हों ताकि हम सब सेफ रह सकें और अवॉइड करें बाहर जाना। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि घर पे अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने को मिल रहा है। और मुझे ये एक वो जो कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट, तो उस तरह की चीज लग रही है कि हाँ भाई टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है घर वालों के साथ। अदरवाइज तो इतना बिजी होता है बंदा के। एनीवेज, तो आज मैं पहले मैंने ये सोचा कि फिर से करिकुलम पे बात करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जरा एक डिफरेंट सेशन हो जाए, वो उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए जो कि काम करना चाहती हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इतना अरसा काम नहीं किया, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या ढूंढूं, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, कोई कोर्स भी नहीं है, कहाँ से जाऊं, साल लगेगा, इतना लंबा टाइम होगा, बच्चे हैं, घर है, फिर हस्बैंड भी कहेंगे तुम्हें कुछ आता नहीं है, बैठ जाओ, अब क्या करना है, इतना अरसा बैठ गई। कोई इश्यू नहीं, अगर आपने पहले काम नहीं किया आप अभी स्टार्ट करते। ऑस्ट्रेलिया है, कोई पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका नहीं है जहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी हो या जहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो या कोई सोशल प्रेशर हो। आप काम करें अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए, आप देखेंगी कि किस तरह आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं, किस तरह आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं, किस तरह आपको अपने वैल्यूएबल होने का एहसास होता है। काम बंदा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, काम इन सब इनर सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए भी करता है। स्पेशली औरतें या बच्चियां जो ओवरसीज से आती हैं वो तो बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें काम। मैं थोड़ी सी फेमिनिस्ट हूँ लेकिन मैं यही चाहूंगी कि मुझे, मैंने भी काफी अरसे तक काम नहीं किया है, ऐसा नहीं, शादी के 10 साल तो मैंने बिल्कुल भी, 10 साल नहीं चले, 8, 6, 7 साल तो बिल्कुल भी काम नहीं किया और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इसलिए मुझे एहसास है दोनों लाइफ्स का। मैं जब कंपेयर करती हूँ तो मैं अभी खुद को बहुत ज्यादा खुश पाती हूँ, हालांकि मैं यकीन करें टेरिबली बिजी हूँ। मैं दो दो जॉब्स करती हूँ, पढ़ाई भी मैंने बहुत ज्यादा की हुई है, मैंने मास्टर्स किया एजुकेशनल मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से, 2 मास्टर्स मेरे पाकिस्तान से हैं, मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने डिप्लोमा किया है अर्ली चाइल्डहुड में, बहुत सारे फैमिली डे केयर्स के साथ काम किया है एजुकेशनल लीडर के तौर पर, उनको ट्रेन करती रही हूँ एजुकेटर्स को, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस पे मुझे फुली कमांड हासिल है। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मुझे आता है वो मैं किसी काम में ला सकूँ। ये इतना कुछ करने के बाद सिर्फ मैं अपनी जॉब और अपना करूं और उससे किसी को फायदा ना हो, ये थोड़ा सा मुझे, और वैसे भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, घर में बैठकर ही एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं और एक औरतों का एक पूरा, क्या कहना चाहिए, एक मजबूत टीम बना सकते हैं जो काम करती हो, जो कि अपने बच्चों को बेहतर प्रोवाइड कर सकती हो, जो कि कॉन्फिडेंट हो अपने औरत होने पर, अपने बीवी होने पर, और उसके साथ ये हो कि मैं कोई डिपेंडेंट किसी पर नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मेरी अपनी एक शख्सियत है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टुडे, कि मैं चाहूंगी कि अगर आपको पहली जो चीज सबको समझ में आती है वो आती है चाइल्ड केयर, कि चाइल्ड केयर में काम करना है। अच्छी बात है, अगर आप चाइल्ड केयर में काम करना चाहते हैं तो, या एजुकेटर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप सर्टिफिकेट 3 कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट 4 कर सकते हैं, ये चाइल्ड केयर में होता है। वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा होता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हम सर्टिफिकेट 3 से स्टार्ट करूंगी आज मैं, क्योंकि ये बड़ा इजी होता है और ये स्पेशली वो उन औरतों को जिनके पास टाइम भी इतना नहीं होता और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है तो कॉन्फिडेंट भी नहीं। अब कैसे करें, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन वहां पर पर्सनली जाएं, ये मैं आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म है ये इंस्पायर एजुकेशन, मेरा इनके साथ पर्सनली कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनको इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि मेरे इनके साथ कोई कनेक्शन है, नो, इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी इनके साथ डिप्लोमा तो नहीं, सर्टिफिकेट 4 किया है डिसेबिलिटी में, और मैंने इनको बड़ा फ्लेक्सिबल पाया, यानी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, ये आप जब भी कॉल करेंगे आपको आंसर करेंगे, आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक्सटेंशन आपको मिल सकती है अगर गॉड फॉरबिड एनीथिंग हो जाती है और आप टाइम पे जो आपका ड्यू कोर्स होता है उस पर आप पूरा नहीं कर पाते कोर्स को, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। हाँ ये है कि आपको प्लेसमेंट खुद ढूंढनी पड़ेगी, प्लेसमेंट भी, उसके भी कई तरीके हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये जो कोर्सेज हैं,
ठीक है, अब कोर्सेज यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देखिए सर्टिफिकेट 3 इन एजुकेशन सपोर्ट, सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ये आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप क्लिक करें, अगर सॉरी इंटरनेट जरा स्लो है आज ये आप देखें, ये कोर्स है $990 का, ठीक है। और ये ऐसे होता है, ये आपको पूरा पैक घर पे डिलीवर करेंगे अगर आप करना चाहें। आप इसको पढ़ के देखें तो ये आपको मुख्तलिफ मोड्स हैं, फेस टू फेस भी है, ऑनलाइन भी है, जो आपको सूट करे। हाँ ये है कि ये आपको कहेंगे कि प्लेसमेंट आपको ढूंढो। अब प्लेसमेंट वही आपको एक चाइल्ड केयर सेंटर के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन एक आसान तरीका मैं बता देती हूँ जो आपको कईयों को शायद पता भी नहीं होगा। आप ये कर रहे हैं ना, जैसे सर्टिफिकेट 3 में आपने एनरोल किया आप एजुकेटर के तौर पे काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 2-3 बच्चे ले लें और उनको लुक आफ्टर करें अपने घर पे। किसी एजेंसी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, फैमिली डे केयर के सर्विसेज होते हैं, ठीक है। ये जो एजुकेटर्स घर से काम कर रहे होते हैं ये किसी न किसी सर्विस के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। वो कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है बिटवीन सेंट्रल लिंक, ओके, जो हायर अथॉरिटी होती है, और एजुकेटर। वो सर्विस एजुकेटर्स को हायर करती है। वो एक्सपीरियंस आपका प्लेसमेंट में काउंट हो सकता है, definitely हो सकता है, without any having to go anywhere, without having to call someone for placement or anything, you can actually do placement in your own house while making money. इससे अच्छी बात और क्या होगी? और वो आप जब करेंगी ना, तो जिस सर्विस के साथ आप एनरोल होंगी वो सारा आपको बता देंगे। आप इधर भी जब अप्लाई करेंगी, ये लोग आपको फॉर्म्स भेजेंगे, चीजें भेजेंगे, एक बुकलेट सी होती है, एक लॉग बुक होती है जिसमें आवर्स इंटर करने होते हैं, वो सब आपको ये देंगे। अगर आप जब कर रहे हो और आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझे ईमेल करें, मैं भी आपके उसमें सपोर्ट करूंगी, बताऊंगी कि कैसे स्टेप वाइज करना है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ी आपको सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। उसके अलावा आप चाइल्ड केयर ऑफ कोर्स जगह जगह बात करें, देखें कहीं ना कहीं से आपको प्लेसमेंट्स तो मिल ही जाएंगे। आप वॉलंटियर कर लें, अपन को बोले मैं वॉलंटियर करना चाहती हूँ। जब आप प्लेसमेंट करते हैं ना, ये सारे आवर्स आपके काउंट होते हैं। इवन के जो वॉलंटियर का एक्सपीरियंस होता है वो आपके रिज्यूमे में भी काउंट होता है, लोग वो भी काउंट मांगते हैं। जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं वो एक्सपीरियंस मांगती हैं, चाहे आपने भले वॉलंटियर क्यों ना किया हो। तो उसके बाद ये आते हैं, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट 3 इन एजुकेशन सपोर्ट। अब ये बात, ये पास को लगता है कि पूरा साल लग जाएगा, नहीं, फेस टू फेस डीकन यूनिवर्सिटी से मेरी एक फ्रेंड ने भी किया था, महीना लगता है आपको सर्टिफिकेट 3 मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट 3 जो एजुकेशन सपोर्ट का है ना, ये आप हर जगह, आप स्कूल की सेटिंग में भी काम कर सकते हैं, आप सेकेंडरी स्कूल्स में भी काम कर सकते हैं, प्राइमरी में बहुत, लेकिन मुझे शायद चाइल्ड केयर में ये ना चले। बहरहाल ये भी बड़ी अच्छी जगह है, और उसके लिए 2 कंपनीज भी हैं जो आपको, अब आप कहेंगे ये करने के बाद क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? जब ना आपने ये सर्टिफिकेट यहाँ से किया ना, उसके बाद मैं कहूँगी कि आपको यहाँ ये देखें, ये रैंड स्टेट, मैंने पहले से टैब्स खोले हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो, अदरवाइज सेशन लंबा हो जाता है, बंदा बोर होने लगता है। ये रैंड स्टेट है, ये एक कंपनी है, यहाँ पर आप अप्लाई करें। ये देखें, यहाँ आप रजिस्टर करें, सिंपली रजिस्टर करें, अपनी डिटेल्स डालें, और उसके बाद यहाँ पर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। सिटी डिस्टेंस, ये सारा आप रीजन, विक्टोरिया में मेलबर्न डिस्टेंस समझे, मैं विद इन 5 मीटर काम करना चाहती हूँ, 10 किलोमीटर की मिनिमम, चले नहीं मैंने 10 किलोमीटर के लिए ही काम करना। अब ये मुझे वही जॉब दिखाएगा जो 10 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल होंगी। उसके अलावा एनजेड यूके, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इनके यहाँ भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ये ऑनलाइन है। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, ये देखें, ये ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछें। मैं ये देखें, सॉरी अबाउट दैट, ये आपका आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने नाम और ईमेल एड्रेस डालना होगा और स्टार्ट कर देनी हो जाएगी। ये ले, मैं अपना नाम डाल देती हूँ, फहमीदा, और ये देखें fahmidamari@yahoo.com। अब ये मैंने इनको भेज दिया, अब यहीं से मैं इनको चैट कर सकती हूँ, ये मुझे बताएंगे कि कहाँ जाओ, कहाँ से लगाओ ये। उसके अलावा एक और भी है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जिनके साथ मैंने पर्सनली काम किया है, और ऐसा नहीं है कि
अच्छा, यहाँ पर भी टीचर एड का जब आप कोर्स कर सकते हैं ना, ये रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है, ये तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये काफी लोग, अच्छा अगर आप ये देखें, मैं स्टार्ट से करती हूँ, ये देखें, ये ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, ये आपने टाइप करना होगा। आप इसको जब क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपने ये सर्चिंग और अप्लाई फॉर अ जॉब, ये यहाँ पर, ये आपको सीधा अपनी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ले जाएगा। आई डोंट नो वाई कि खुल नहीं रहा इतना इंटरनेट, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप अपने टीचर एड की पोजीशंस के लिए, टीचर्स के लिए जो भी आपका काम हो, वो बिल्कुल आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल्स में हमारे पास हेल्थ एंड वेलबींग भी होता है, वो स्टाफ अलग से होता है, एडमिन स्टाफ अलग से होता है, क्लीनिंग का स्टाफ अलग से होता है, दूसरे ये टीचर एड्स अलग से होते हैं, स्पेशलिस्ट अलग से होते हैं, वो सारे आप यहीं अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ, एक और एजेंसी भी है जिसपे के साथ मैंने काम किया है, उनका नाम है एपी चाइल्ड केयर, ये वर्क एजेंसी है, यहाँ नीचे होनी चाहिए कहीं, एबीसी चाइल्ड केयर वर्कर्स एजेंसी, ये वाली, आप ये देखें, यहाँ पर आप कांटेक्ट करें इनको, इनको कॉल करें, बिल्कुल इनको कॉल करें, ये आपको जवाब देंगे, ईमेल करेंगे, और फिर आप इनको, ये देखें वर्क इन्फॉर्मेशन, ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं, ये फोन नंबर है, आप इनको कॉल करें, यहाँ पर आप मैसेज सेंड करें ऑनलाइन, और वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, डेफिनेटली फॉरन ही आ जाएंगे, इनको स्टाफ की जरूरत भी है। इसके अलावा जैसे एक और जगह है कैंप ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास कैंप ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली बिफोर केयर ना आफ्टर केयर में है, तो ये चाइल्ड केयर का जो आपने किया होता है कोर्स, वहाँ पर आप लॉग इन, ये रजिस्ट्रेशन करें, ये आपको बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल, यहाँ पर जो भी है आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। ये देखिए कैरियर्स में यहाँ चले जाएं, ये वाले असिस्टेंट भी हैं, यहाँ पर टीम लीडर, जो भी आप असिस्टेंट में करना चाहते हैं आप असिस्टेंट में करें, क्योंकि आप सर्टिफिकेट 3 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फिल्टर भी हैं, ये इस टाइम इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि जाहिर है जॉब्स आजकल है नहीं, बंद है सब कुछ, ये नए हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये देखें ड्यूरिंग असिस्टेंट ड्यूटीज, ये वो, बहरहाल वी डोंट हैव एनी रोल्स एट दिस स्टेज, कोई भी रोल्स नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक है, वो है यहाँ, ये इस तरह है कि ये बता इसलिए रही हूँ कि ये सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ये आपके यहाँ पर भी आप अप्लाई, इनको तो बहुत जरूरत होती है, ये कैरियर्स में आप ज्वाइन करें, ये अपॉर्चुनिटीज में चले जाएं, यहाँ पर अपना अप्लाई करें, जहां पर आपने प्लेसमेंट की होगी ना, वो आपको जरूर अपना रेफरेंस देंगे। आप अगर चाहें तो आप अपने रेज्यूमे मुझे भी भेज सकते हैं और मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकती हूँ। ये तो हो गया चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है, आप सर्टिफिकेट 3 करें, डिप्लोमा करें। अब मैं जरा बात करूंगी एज केयर और डिसेबिलिटी सर्विस की। बाज लोगों का ख्याल है कि एज केयर में काम करना हम नहीं करना चाहते, डिसेबिलिटी सर्विस नहीं, हम तो नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या वजह है, यानी आप खुद से अगर पूछें तो वजह सिर्फ ये है कि वहां पर हमें जो है कि पोटी साफ करनी पड़ेगी, और वहाँ मर्दों के साथ हमें काम, उनकी भी ग्रूमिंग और हेल्प में मदद करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप मर्दों को हेल्प नहीं करना चाहते, उनकी ग्रूमिंग में उनके लुक आफ्टर नहीं करना चाहते, आप अपनी प्रायोरिटीज बता देंगे कि भाई मैं नहीं करना। उसके अलावा अगर पोटी साफ करने की बात आती है, या तो हमारे अपना कल्चर ऐसा है कि बूढ़ी माँ बूढ़ी सास इन लोगों को हमने खुद से संभाला हुआ है, मजदूर अफराद, जो हमारे पास कोई डिसेबिलिटी सेंटर्स तो नहीं है, हम लोग अपनों को जान से लगा के रखते हैं, हम उनको कोई फेंकते नहीं है सेंटर्स में, हमारा कल्चर केयर का है। आप सोच के देखें कि एक बंदा जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता, आप उसको सपोर्ट कर रही है एक अच्छी लाइफ रहने के, और उसको एक होप दे रही है, इससे ज्यादा आप
को रूहानी तस्कीन और कहाँ से मिल सकती है वाइल मेकिंग अ लाइवलीहुड। तो ये सिर्फ हमारी अप्रोच है, इसको प्रोफेशनल अप्रोच में बदलें, इसको ऐसे ना देखें। और फिर आप चाइल्ड केयर में भी काम करती हैं तो बच्चों को साफ करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। आप स्पेशल एजुकेशन में टीचर्स होती हैं, उनको भी नेपिस चेंज करनी पड़ती है। प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चे ने कर दिया एक स्पेशल एजुकेशन में, तो टीचर क्या करे, अलग से स्टाफ रखा होता है, लेकिन टीचर्स को करना पड़ता है, ये उनके जॉब का हिस्सा है। डॉक्टर्स को आप देखें कि मैटरनिटी वार्ड्स में और उसमें क्या कुछ वो बेचारों को फेस करना पड़ता है। हाँ, नाम है डॉक्टर का तो उनको फील नहीं होता। तो इस मेंटेलिटी से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। बहरहाल आपकी मर्जी, ये ऑप्शंस हैं कुछ। मेरी काफी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसेबिलिटी में भी काम किया है, एज केयर में। मैंने खुद काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनको देखा है काम करते हुए, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी अगर मुझे काम करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हायर लेवल पे पहुंचना चाहेंगे ना, तो बेसिक से आपको काम सिखाएंगे, ताकि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, फिर आप हायर लेवल पे पहुंचेंगे। एनीवेज, ये आपके एज केयर। हाँ, एज केयर के लिए आप पूछ सकते हैं कि अब हमें कहाँ से मिलेगी। उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि अगर ये देखें, ये डिसेबिलिटी सर्विसेज हैं, स्पेशली एक डिसेबिलिटी सर्विस जो बहुत, तो उनके तो फॉर्म्स भी हैं। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ मैंने गूगल में लिखा कि, मैं फिर से दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये मैंने गूगल में लिखा है, ये टैब्स सिर्फ मैंने खोल के रखे थे आप लोगों के लिए, डिसेबिलिटी सर्विसेज एंड मैनर लैक्स। अब ये देखें आप, 35, चले मैं इधर क्लिक किया, सॉरी अबाउट इंटरनेट अगेन, ये बड़ा सा स्लो सा जा रहा है। ओके, मिलेनियम डिसेबिलिटी के, आप इनको कॉल करें और ये आप उनसे बात करें कि भाई आप हमें दोगे प्लेसमेंट, आपके पास क्या प्रोसीजर है, वो आपको बता देंगे। एक हाँ, ये वाला आप इसको देखें, वेबसाइट पे चले जाएं इनके, अगर फॉर्म्स होंगे तो वेबसाइट, हाँ इनके तो फॉर्म्स हैं, मैंने खुद देखे। ये देखें जी, अबाउट अस, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर जाएं, आर स्टूडेंट प्लेसमेंट, ये देखें व्हाट वी डू, स्टूडेंट जो प्लेसमेंट दी जाती है, ये देखें, अमेजिंग। ये आपके फॉर्म्स हैं, ये भर के इनको भेज दें, जैसे ही इनके पास वैकेंसी होगी ये आपको कॉल करेंगे, घर बैठे आपको कॉल आएगी, आपको ख्वार भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी अप्रोच में थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, थोड़ा बोल्ड होना है, थोड़ा रेजिलियंट होना है। ऐसा नहीं कि दो तीन जगह से आपको अगर नहीं हुआ तो आप बैठ जाएं कि नहीं यार ये तो मेरे काम करने का काम ही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार करनी पड़ेगी। ये देखें, ये एरर आ रहा है। बहरहाल ये इन जगहों पे जब आप काम करते हैं, फोन कर लें आप इनको, ये जो सेंट मोबाइल, ये सारे जिनके वेबसाइट्स नहीं है, हेल्पिंग हग्स फैमिली डे केयर, ये तो फैमिली डे केयर, बहरहाल इन सारे में आप कॉल करें और इनको बताएं कि मैं प्लेसमेंट करना चाहती हूँ, आपके पास अवेलेबल है, इनका फॉर्म फिल कर लें। मिलेनियम का ये देखें, हो सकता है इनका भी फॉर्म हो, जिनका फॉर्म मिल रहा है उनका कर लें, जिनका नहीं, या ये देखें रिक्वेस्ट कॉल बैक, इनको कॉल बैक कर दें। ब्यूटिफुल सपोर्ट कोऑर्डिनेशन सर्विसेज कॉल, ये मिलेनियम डिसेबिलिटी के, आप कॉल करें इन लोगों को, आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब आते हैं चाइल्ड केयर की तरफ, फिर से इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि चाइल्ड केयर में वो एजुकेटर्स जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे करें, क्या करें, किस तरह, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि मेरी एक वेबसाइट है। मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर मेरी अपनी वेबसाइट हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप उसका कंटेंट जो है वो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन दूसरों का ज़ाहिर है जैसे ट्विंकल थी, मैं उसका शेयर नहीं कर सकती थी। ये मेरी वेबसाइट है जिस पे मैंने काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और यानी उनको ये $8 पर वीक होता है, जिसमें उनको अनलिमिटेड एक्टिविटीज तक एक्सेस मिलती है, जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं एजुकेटर्स बच्चों के साथ। ये देखें, जब वो आप सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोग अगर चाहें तो मैं रोज़ाना एक एक्टिविटी की वीडियो बना सकती हूँ, आपको करके दिखा सकती हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे आउटकम्स के साथ कनेक्शन हैं, ये है वो है। ये देखें, ये 0 to 3, ये मैंने सब यहाँ लिखे हुए, गिव गेटअप बॉडी ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अर्ली ईयर लर्निंग फ्रेमवर्क, आउटकम्स एंड देन एवेल्युएशन है, ये सारे आपकी प्रोग्रामिंग के हिस्से होते हैं। ये देखें, ऑल द वे डाउन ये सारे
के अनलिमिटेड एक्टिविटीज हैं जिनको मैं कंटिन्यूसली अपडेट भी करती रहती हूँ। ये सब लिखना मस्ट होता है, ये पेपर वर्क है आपकी प्रोग्रामिंग प्लानिंग का। चाइल्ड केयर के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी। एजुकेशनल प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस, ये वो है। ये देखें 3 to 5 मैं सिर्फ आपको क्विकली बोर नहीं करना चाहती, दिखाना चाहती हूँ। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया सेशन, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं हर सेशन में फ्रॉम नाउ ऑन एक एक्टिविटी आपको दिया करूँगी जो आप अपने प्रोग्राम और प्लानिंग के लिए लिख सके। मैंने जैसे प्रॉमिस किया कि मेरा है, तो मैं डेफिनेटली सारे कॉपी राइट्स मेरे हैं, सब कुछ, मुझे कोई इशू नहीं शेयर करने में, मैं डेफिनेटली करूँगी आप लोगों के साथ। आप मुझे बताएं, फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा, और मैं उस हिसाब से अपना सेशन एडिट करूँगी। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए, ये मेरा, अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो ये उसकी वेबसाइट है, मेरे फैमिली, ये जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, और ये है एक्टिविटी पॉप इट थ्रू द ट्यूब ऑब्जर्वेशन। हैरी इज प्लेइंग विद द पेपर टॉवल रोल, आई आस्क्ड हिम इफ ही वांट्स टू हैव मोर फन विद द लॉन्ग रोल। ये सारा पढ़ें आप, ये आपने बच्चे को करवाना है। लेकिन यानी किस तरह कहते हैं ना, एजुकेटर इंटरवीन कैसे करेगा, तो एजुकेटर इंटरवीन ऐसे करेगा। फिर रिफ्लेक्शन, किस एक्टिविटी से बच्चे ने क्या सीखा। एक्सटेंशन, अगला क्या करेगा बच्चा जो इस एक्टिविटी के जो स्किल्स सीखे हुए हैं उस पर बेस्ड हो और नई चीज़ भी सिखाए। और फिर आउटकम, जो अर्ली लर्निंग आउटकम्स हैं उसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है। और ये देखिए, ये इवेल्युएशन है। एवेल्यूएशन, उसके बाद पूरी एक्टिविटी को एवेल्यूएट करें कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, और फिर आप आगे अगली एक्टिविटी करें। मैं, आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अपने जो आप एजुकेटर्स को मैं बात कर रही हूँ वो आप करती जाएं, आप लिख लें, कॉपी कर लें, मुझे कोई इशू नहीं। ये एक्टिविटी आज के लिए आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट पहला। और ये मेरा ईमेल है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, रिज्यूमे में आप समझते हैं कि ये हो, आपको लगता है कि मुझे प्लेसमेंट में हेल्प चाहिए, मैं उसमें भी कर सकती हूँ आपको। एटलीस्ट अगर न्यूज़ बता सकती हूँ कि हाँ, आप यहाँ यहाँ अप्लाई करें और आपको मिल जाना चाहिए, ये कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट में कोई हेल्प चाहिए तो ऐसा नहीं कि मैं लिख के दूंगी, वो नहीं, हाँ, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी, आइडियाज़ दूंगी, पेज नंबर बताऊंगी, लिंक्स फॉरवर्ड कर सकती हूँ कि ये पढ़ें, एक्सप्लेन कर सकती हूँ वीडियोस के थ्रू, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे खुशी होगी ये सब करने में। लेकिन आप प्लीज़ इनिशिएटिव लें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। वंस अगेन ये देख लें इसको, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।